सबसे पहले तो आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये इससे बड़ी खूबसूरत बात नहीं हो सकती कि आज दिवाली के इस शुभ अवसर पर रेजुआ सेंटर ने हर वक्त नई नई चीज़ों का इजाद किया है, इनोवेशन किया है, और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपके सामने है, आपके समक्ष है कि आज रेजुआ अपने आप में खुद एक मकाम बन गया है। मैं किसी और लोगों के विषय में नहीं बोलूंगा, ना मैं उनकी निंदा करूंगा ना प्रशंसा करूंगा, लेकिन हाँ, मेरा अस्तित्व अर्जुन का है, और अर्जुन जिस मंच पे खड़ा होता है वो केवल सत्य का मंच होगा, असत्य का मंच नहीं हो सकता। तो अगर ये असत्य का मंच नहीं है तो सत्य यह है कि डॉक्टर संतोष पांडे, जिसके लिए मैं आया हूं, जो मैं उसको अपना एक छोटा भाई, अपना लगता जिगर समझता हूं, और मेरे बहुत ही करीब है, वो दिल के करीब है, नॉट बिकॉज आई नो हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट बिकॉज आई नो हिम एज अ डॉक्टर, बट ये बात सच है कि वो डॉक्टर के साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया इंसान भी है। वो कहते हैं कि हमने सुना था कि जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर अगर उसको एक माँ की तरह अगर सलाह देता है तो यकीन मानिए आधा दर्द तो यूं ही खत्म हो जाता है। और संतोष में ये सारी क्वालिटीज हैं, अपार्ट फ्रॉम हिज इंग्रेडिएंट क्वालिटी एज एन एफिशिएंट एक्यूपंचरिस्ट, उनकी उसके अलावा एक बहुत ही खुशनुमा इंसान है। और मैं यहां जब डॉक्टर संतोष पांडे के साथ जुड़ा था तो मैं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप मेरे पास है, 3 सेकेंड नॉकआउट, लेकिन मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया था, और जिसने 3 सेकेंड्स के अंदर नॉकआउट दिया था वो हाथ इतना ऊपर नहीं कर सकता था। आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मैं इनके पास आया तो इन्होंने कहा कि भाई कुछ बातचीत करते करते इन्होंने कुछ ट्रीटमेंट दिया और मुझे कहा कि अपना हाथ ऊपर करो। जब मैंने यहां तक के, मुझे मालूम था मेरी यहां तक की लिमिट यहां से नहीं जाएगा, बट आई वॉज शॉक्ड कि फ्रॉम दिस एंगल ही वेंट राइट अप टिल 360। और आज मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं कि मैं अच्छा हो गया हूं। सो दिस कॉम्प्लीमेंट्स गोज टू डॉक्टर पांडे एंड हिज टीम, जो बहुत ही एफिशिएंट है। ये एक नया रेजुआ का सेंटर खुला है। मैं अपनी दिल की गहराइयों से इनको शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा
कि इनकी जिंदगी में, इनकी डिस्पेंसरी में दिन दुगनी रात चौगनी सिर्फ तरक्की तरक्की हो और बहुत नाम हो, बहुत नाम हो, बहुत नाम हो. थैंक यू सो वेरी मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. Thank you. Let me introduce Dr. Tumi Bairamji, Madam and ये हमारे एक्यूपंक्चर काउंसिल जिसका आज हमारा ये क्लिनिक आप देख रहे हैं उसके चेयरमैन हैं. सो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है एक्यूपंक्चर के बारे में एक बार पूछ सकते हैं. जी सर, कैसा लगता है आपको? आप इस क्लिनिक के बारे में बताएं, क्लिनिक की हाईलाइट क्या है और नया क्लिनिक? एक्यूपंक्चर जैसे आपको पता है इंडिया में बहुत सालों से प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं था इसे, लोग अपनी ताकत से प्रैक्टिस कर रहे थे. आज वेस्ट बंगाल और दूसरा है महाराष्ट्र, खाली दो ही स्टेट है जहाँ एक्यूपंक्चर हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज है. महाराष्ट्र को रिकॉग्निशन 2015 मिला, लेकिन आज हम लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं. एक्यूपंक्चर को इस्टेब्लिश कर दिया है, रिकॉग्निशन कर दिया है, और इस साल से हम लोग कम से कम 10 कॉलेजेस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र चालू कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, जिसके वजह से आगे चल के महाराष्ट्र में आपको सब क्वालिफाइड और यू नो ऑथेंटिक एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे. वी आई एम वेरी प्राउड कि पांडे साहब ने जैसे एक क्लिनिक चालू किया, मैं चाहता हूँ हर एक गली में एक एक होना चाहिए, तभी एक्यूपंक्चर को उसकी रियल वैल्यू पब्लिक को पता चलेगा. एक्यूपंक्चर की पोटेंशियल बहुत उंडी है, लेकिन पब्लिक को पता नहीं कि इसकी क्या ताकत है. तो हम चाहते हैं कि और यंग लोग ऐसे हिम्मत करके आगे आवे और लोगों की सेवा करे और एक्यूपंक्चर का फ़ायदा सबको दिया जावे. सर, क्या लगता है ये गल्फ के अंदर सबसे ज्यादा होता है एक्यूपंक्चर जो है? हम ये गल्फ के अंदर देखते हैं इसके पेशेंट्स और इसके तादाद भी काफी ज्यादा है, लेकिन इंडिया में इतना सक्सेस अभी तक नहीं हो पाया, इसकी क्या वजह? सक्सेस कैसा होगा जो भी रिकॉग्निशन नहीं है? दुनिया में 125 देशों में रिकॉग्निशन था, सिर्फ इंडिया में नहीं था. लेकिन वी कैन प्राउडली से कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अच्छी इनिशिएटिव ली और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर पे दे दी 2015 में, और 2019 में काउंसिल बना दी. एक्यूपंक्चर काउंसिल है आज हमारी, जिसके वजह से ऑथेंटिक एक्यूपंक्चर नॉलेज वगैरह आपको मिलेगा. और आज 3 साल तक कोविड में निकल गया, इसके बावजूद भी इतने चैलेंजेस होने के बाद जो स्वप्न था कॉलेजेस का आज हकीकत में बदल रहा है. और हम चाहते हैं दूसरे 5 साल के अंदर एक्यूपंक्चर सारे हिंदुस्तान में रिकॉग्निशन हो जाएगी और महाराष्ट्र विल बी द लीडर. सर, इसके अंदर पेशेंट्स को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे? एक्यूपंक्चर जैसे हमें दूसरी थेरेपीज है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ऐसे बहुत से डिजीज में काम करते हैं, लेकिन हर एक थेरेपी की खुद की एक ताकत होती है. एक्यूपंक्चर की ताकत है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स. मस्कुलोस्केलेटल का मतलब जैसे कि ऑर्थोपेडिक स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस, आर्थराइटिस, सेम वे न्यूरोलॉजी में पैरालिसिस, माइग्रेन, वर्टिगो, सेम वे गायनेक में डिलीवरी के टाइम. तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसकी सही ताकत है मस्कुलोस्केलेटल एंड न्यूरोलॉजी में, जो हमारे देश में पूरी रेवोल्यूशन लेके आएगी. एलोपैथी के साथ मिलकर अगर हम साथ में करेंगे, एलोपैथी, फिजियोथेरेपी एंड एक्यूपंक्चर, ये तीनों की कॉम्बिनेशन हमारे देश के लिए एक डिफरेंट ही चैप्टर चालू हो जाएगा, जो आप बहुत जल्दी देख लेंगे. संतोष जी, इस क्लिनिक में किस तरह की फैसिलिटीज और क्या क्या ट्रीटमेंट है यहाँ पे? जी, सो एक्चुअली ये एक तरह से एक्यूपंक्चर अलॉन्ग विथ सिस्टमिक नेचुरोपैथी सेंटर है हमारा. तो इसमें हम लोग एक्यूपंक्चर, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके साथ साथ कुछ और न्यू पद्धतियाँ हैं जो पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है. एक्यूट पेन मैनेजमेंट और इन्फ्लेमेशन के जितने डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छी है. तो उसमें क्रायो एडॉन होगा और BCR बहुत ही एक टेक्निक है जिसको हम एक्यूपंक्चर ही बोल सकते हैं, लेकिन एक्यूपंक्चर को पढ़ने के बाद उसमें कुछ और एडवांसमेंट आया, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल सेल्स रेगुलेटर थेरेपी. तो दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ एक्यूपंक्चर बट लिटिल एडवांस बिकॉज दैट इज़ वर्किंग ऑन नैनो टेक्नोलॉजी.
और उसके साथ साथ वो AI अभी आप सुन रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है, तो दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड थेरेपी एंड इट इज़ वर्किंग वेरी नाइसली फॉर द पेन मैनेजमेंट एंड पैरालिसिस, जैसा कि सर ने बताया। सर यहाँ पर कितने बेड्स हैं और कितने पेशेंट्स को देख सकते हैं एक साथ? सो एक्चुअली जो एक्टिव बेड्स हैं वो 7 से 8 पेशेंट एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट के लिए एट ए टाइम हम लोग लेंगे। उसके साथ साथ चूँकि ये ऐसा क्लिनिक है जहाँ पे कुछ हर तरह के लोग आने वाले हैं, तो उसके साथ कुछ को बहुत ही मतलब प्राइवेसी चाहिए होती है, तो उसके लिए 7 से 8 पेशेंट्स हम लोग लेते हैं। कुछ को सेमी प्राइवेसी, जिसको मतलब कोई मायने मतलब बोलते हैं जिस तरह से कि आपको माइंड नहीं करोगे, तो उसमें 7 से 10 पेशेंट और हम लोग लेने वाले हैं। सो करीब 10 पेशेंट से ज़्यादा एक्यूपंक्चर के एट ए टाइम, उसके बाद हाइड्रोजन, कोलोन, PCR, ये सारी जो चिकित्साएं हैं मिला के 15 से 20 पेशेंट एट ए टाइम लेंगे और 1 घंटे में उनका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। संतोष जी, नाम जो रखा है आपने रिजुआ, सो रिजुआ नाम जो है, रिजुआ नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं रिजुवेशन की बात करता है। सो हमारी जो कोशिश है वो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सबको एक साथ मिल करके आपके तन, मन और आत्मिक जो व्यवस्था है ट्रीटमेंट की, उसको एक साथ लेके चलना है। इसने तो इसका जो टैगलाइन है वो है रीसेट, रीबूट एंड रिजुनेट। सो पूरी तरह से आपको एनर्जाइज करेगा, रीसेट करेगा और रीबूट करेगा टू जंप डाउन टू दिस यूनिवर्स। और कहाँ कहाँ ब्रांचेस हैं? सो अभी हमारे ब्रांचेस में एक सेंटा क्रूज का ब्रांच है हमारा, एक दादर का ब्रांच है हमारा, एक यहाँ है और एक पवई में भी है, जो किसी के साथ मिलकर हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आम आदमी के जेब पे क्या खर्च है, क्या कॉस्ट आता है, उसके बारे में कुछ? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम आदमी के जो जेब पे खर्च आता है डिपेंड है कि आपको किस तरह से चिकित्सा आपको चाहिए। एक जैसे हम लोग BMC हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, एक हम लोग जसलोक की बात करते हैं, एक हम लोग और बड़े बड़े जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनकी बात करते हैं, तो कंपेरेटिवली हम लोग उसमें बहुत कुछ ऐसा रखना चाहते हैं कि किस तरह की चिकित्सा आपको चल सकती है। ओपनली अगर एक्यूपंक्चर किया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा महंगा नहीं है, अंडर आपके जो पॉकेट की जो एनर्जी है उसके साथ साथ बहुत कुछ बैलेंस किया जाता है इसका। मैं बहुत खुश हूँ मैं आज यहाँ आके, और संतोष पांडे जी ने मुझे इनवाइट किया, मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मैं उनकी पेशेंट हूँ। मैंने ये सबका अनुभव ले रही हूँ मैं ऐसे नहीं, और मुझे काफ़ी फ़र्क आया है ये सब करके। मुझे इतना कहना है कि मिस्टर डॉक्टर पांडे हैज़ अ वेरी स्पिरिचुअल साइड और ये एक हीलिंग मेथड भी है, तो आप जब वो एनर्जीज, ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म इसका एक संगम इधर है, यहाँ आपके हेड से टो तक सब पेन मैनेज होते हैं, और नॉट ओनली पेन मैनेजमेंट, देर इज अनदर साइड विच इज़ अ ब्यूटी साइड ऑल्सो टू दिस ट्रीटमेंट। एंड आजकल के बोटॉक्स और फिलर्स के ज़माने में ये नेचुरल ट्रीटमेंट्स बहुत है, ये एक्यूपंक्चर से बहुत चीज़ें करते हैं, वही इफेक्ट्स देते हैं एक्यूपंक्चर से। एंड आई रियली विश लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड विशेस फॉर रिजुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज दिवाळी निमित्ताने सर्व महाराष्ट्राच्या जनतेला हार्दिक शुभेच्छा। आज डॉक्टर पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली एक या हॉस्पिटलचं उद्घाटन झालेलं आहे। या ठिकाणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेब या ठिकाणी उपस्थित राहणार होते, पण काही कारणात त्यांची तब्येत बरी नसल्यामुळे ते येऊ शकले नाही, पण त्यांनी सांगितलेलं आहे की नक्कीच मी पांडेच्या क्लिनिकला मी भेट देईन, तरच मला बरं वाटेल। पण आज मला आनंदाचं वातावरण लागलं की आज पांडेचं जे काम आहे ते महाराष्ट्र नवीन देशामध्ये फार चांगलं काम आहे आणि त्या कामाला चांगलं योगदान मिळालं। आज माझी पत्नी काशीबाई चंदू पाटील आज ती कशा पद्धतीने आणि कशा अवस्थेमध्ये होती, आज तिची कशी सुधारणा केली, आज मी फार माझ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सांगितलं की माझ्या मिसेसला फार चांगलं प्रोत्साहन मिळालेलं आहे, म्हणून आज दिवाळी निमित्ताने आज त्यांच्या क्लिनिकला आणि त्यांच्या कुटुंबाला येणारा दिवस सुखाचे, सम्राटीचे, भरभरीत जावे अशी एकवीरा देवीला प्रार्थना करते।
आज पांडे साहेबांचं आज माझं रिलेशन चांगल्या पद्धतीने झाल्याबद्दल त्या पद्धतीने आज मी त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करते. टुडे ऑन दिस ओकेजन ऑफ द धनत्रयोदशी एज वेल एज द नाउ स्टार्टेड द लक्ष्मी पूजन टाइम ऑल्सो टुडे एंड द टुमारो आई विल लाईक टू गिव ऑल द बेस्ट विच इज इज ॲम्बिशन्स द अचीवमेंट ऑल्सो द सक्सेसफुल बाय द our guru and the Gorakshanath ji. This one is the really day after day from the Santa Cruz first after then the Juhu and third one is this. They have got it the very nice appreciation by the customer. Because of that day, when the customer is given the appreciation at that time it means it is the receipt of the particular the man who is the giving all the therapies, all the drugless therapy. And today, according to my view, in International Naturopathy Organization, which is connected with the Ayush Ministry, I am the executive president of Maharashtra. So for that, I am giving the blessing and the all the best by the INO as well as the Shiva Gorakshanath Yogapit Amrit Dham as a secretary and the EMD of the Shiva Ayurvedic Clinic. So for that, I will glad to meet and also the give all the best wishes. Thank you, Guru. Okay, very thank nice. You. Okay, thank you. Hi. Namaste. Hi. Thank you. Thank you. Namaskar. Happy Diwali. Hi, Santosh ji. Pandey ji. Arey Pandey ji. How without you? Hello, Arjun ji. Pandey ji. Thank you, ma'am. आपकी सुंदर क्या करा बोलूं कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे बहुत प्राइड फील हो रही है. मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि डॉक्टर साहब एक इतने अच्छे इंसान हैं और इतना अपने ये उनके लिए काम नहीं है जैसे श्रद्धा है इनके लिए. तो ही डज अ लॉट टू मेक एवरीवन फील बेटर थ्रू व्हाट ही नोज एंड हिज नॉलेज एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आपने मुझे इतना हैप्पी बना दिया यार. तो अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो ये करेक्ट जगह है. एंड अब आपका सेकेंड क्लिनिक खुल गया है तो मुबारक हो आपको. थैंक यू. और ये तो ओनली सेकेंड पढ़ाव है. And I wish you all the very best and thank you all for coming. Happy Diwali. कल धनतेरस था. हाँ मैं तो खाली धन्यवाद दे के भी नहीं पीछा छूट सकता क्योंकि हमारा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है ऐसा. yes, हम लोग की जो फ्रेंडशिप है कभी भी ऐसे नहीं होती. yes. और एक दूसरे के सुख दुख में पूरी तरह से रहते हैं. कभी भी कोई जरूरत हो तो 12 बजे रात को 12 बजे दिन को मॉर्निंग 6 बजे कभी ऐसा नहीं लगता. अभी मैंने ले जाके बस तो अपना जुहू पे बोला बीच की क्लीनिंग करवाई. दैट इज ट्रू. हाँ मैंने बोला चलो अभी हम लोग सुबह सुबह जुहू की सफाई करेंगे. तो मतलब इस लेवल से हम लोग सोचते हैं. सो थैंक यू फॉर कमिंग. एनी अदर क्वेश्चन यू हैव सो आप लोग पूछ सकते हैं. मैम कान में आपके जो इयररिंग लगी है बड़ी मजेदार है उसके बारे में जरा बताइए. बहुत पुरानी है मेरी अपनी है मैंने बोरो नहीं की है. किसी को वापस करने की जरूरत नहीं है. मैं अपने घर ले जाऊंगी वापस. मैम आपने ट्रीटमेंट कराया है सबसे? अरे ऐसे थोड़े ना होता है. ट्रीटमेंट कराया इसीलिए तो यहाँ पे आए वरना ऐसे फैन बन के थोड़े ना आ जाएंगे. है ना आपके फैन वो भी मगर मैं फैन नहीं पेशेंट हूँ. आपकी ब्यूटी करा जिनका ट्रीटमेंट ही है क्या? नहीं वो तो अंदर से है मगर बाहर से भी मतलब आई थिंक यू नो हम लोग बहुत फोकस करते हैं you know on just the symptoms but I think agar aapko ek general good feeling aani chahiye na andar se to aapka pura system theek tarah se chalna chahiye to doctor ke paas aisi kuch cheeze jaise ki acupuncture hydrogen cryo these are wellness things these are not beautification things these are not things on your outside they make you feel good from the inside so it's really important for you to take care of your insides only jab ye machine chalegi tab ye chalega na
और तब ये चलेगा. तो आई थिंक दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट एंड दोज आर द काइंड ऑफ सर्विसेज एंड दोज आर द काइंड ऑफ वेलनेस यू नो हेल्प एंड आइडियाज दैट डॉक्टर संतोष पांडे इज वर्किंग विद. एंड आई एम जस्ट वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज अब मुझे सोचना नहीं पड़ता है. यू नो आई गो टू हिम ही सेज बहुत ट्रैवल कर चुकी हो ना, अभी तुमको रेस्ट करना है. तो ऐसा कोई अगर आपको बताए अब हम आपको रेस्ट कराएंगे, तो अगर ऐसा कोई बोलता है ना तो आपको लगता भी नहीं है कि आप कभी बीमार लग रहे हो. सो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे इसलिए आती हूँ क्योंकि मैं ऐसी लगती थी या वैसी लगती थी या ऐसी हूँ या वैसी हूँ. अगर अपने आप को आप बेटर कर सकते हो, सुधार सकते हो अंदर से, तो करना चाहिए यार, मेरे लिए नहीं सबके लिए. सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके पास आई थी. और दूसरी बात ये तो कि मैं बहुत पेन में थी तो आपने पेन भी मेरा मुक्त कर दिया. सो थैंक यू वेरी मच. तो ये बात बाइक लेना जरूरी सर. रेडी ओके. इट इज माई ग्रेटेस्ट प्लेजर टू सी दिस न्यू सेंटर ओपनिंग सच ए वेंटेज प्लेस इन बॉम्बे. आई नो डॉक्टर संतोष पांडे फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड आई हैव द प्रिवलेज टू वर्क विद हिम. वॉट ए मैन, वेरी पॉपुलर नोन एज द मिरेकल मैन. सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड वट ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग. And it is the service to the mankind that this person is bringing. I've seen him in function. I've seen him working in army units, doing service for the jawans in the remote area where people can't even enter. So that is this man, Dr. Santosh Pandey. We're going to go places with the passage of time. And Dr. Sir, thank you very much for giving privilege to be associated and work with you. Thank you, sir. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Thank you. Hi, sir. Jai Hind. 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 Jai H